भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजू बिष्ट ने दूसरी बार दार्जिलिंग लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले वह दार्जिलिंग के स्थानीय महाकाल बाबा धाम में पूजा अर्चना की। उसके बाद 11 बजे चौरस्ता में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और गोरखा जन्म मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल कुरुंग के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में राजू बिष्ट ने 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। एक टू बंगला भी बोझते पारे आमी। देखिए, ये जनता का प्यार है और जिस तरह का भीड़ उमड़ा था, ये मोदी जी का ऊपर में इस यहाँ की जनता का विश्वास है और यहाँ की जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ के सभी अलायंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जीत निश्चित है। 5 लाख से ज़्यादा वोटों से दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पीएम का शपथ लेंगे, उसमें बड़ा योगदान दार्जिलिंग का होगा। पिया घोष ने कहा कि 100% उन लोगों का जीत है। गोपाल लामा का क्या बोले? सिलीगुड़ी में आज बोले ऐसा है, देखो अगर कोई कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना किसी से सीखना हो तो टीएमसी के नेताओं से सीख ले। वो मैं आपको बताऊं, अंदर की बात पूछना, बोला अंदर में क्या है, मतलब अनऑफिशियली पूछना, वो बोलते हम अभी कोई चुनाव में पैसा खर्च नहीं करेंगे। राजू बिष्ट नहीं आता तो हम पैसा खर्च करता, चुनाव जीतने के चांसेस थे। अब इसका नाम घोषणा हो गया, हम कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, बचाएंगे। पूछ लो, ये अंदर की बात बता रहा हूँ।